किसान भाइयों नमस्कार, हम हैं गिरी गंगा कृषि ऊर्जा कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ। क्या शुभ नाम है आपका? नवजीत तेवतिया। नवजीत जी, आपकी कंपनी क्या बनाती है? ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है, फर्टिलाइजर्स हैं, ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर्स हैं अपने पास जी। कहाँ की है कंपनी? कंपनी सर बेसिक यहीं की है, दिल्ली की कंपनी है। और अभी हमारा जो प्लांट है वो समालखा में है, पानीपत में, और एक ऑफिस इनका कनॉट प्लेस में है, एक ऑफिस इनका गुड़गांव में है। क्या क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप बनाते हैं? ये सबसे पहले अपना प्रोडक्ट आता है कृषि ऊर्जा ग्रीन, जो कि ये वाला आप देख रहे हो, ये कृषि ऊर्जा ग्रीन है। और ये एक तरह से ये समझ लो, जो लोग गोबर की खाद अपने खेतों में डालते हैं, इसको डालने के बाद गोबर की खाद डालने की जरूरत नहीं है। इसके फायदे क्या हैं? इसका फ़ायदा ये है कि गोबर की खाद में फंगस आ जाती है और दीमक आ जाती है। इसको डालने से दीमक और फंगस दोनों ही नहीं आते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, हीटिंग इसमें बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज़, जो गोबर की खाद है उसमें क्या है, अदर से बैक्टीरिया नहीं डालता है, कोई भी सोडोमोनास पीएसबी कल्चर नहीं डालते, सीधा कैचुए डाल देंगे या सीधा ऐसे ही सड़ने के लिए डाल देंगे। इसमें क्या है, इसमें हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, एजेक्टोबैक्टर सोडोमोनास पीएसबी कल्चर, जिससे ये तैयार होता है, सड़ता है, फिर ये काम करता है, आगे पैकिंग करके हम इसको फिर मार्केट में लेकर। हमारी तीन लैब है, एक हमारी कंपनी की खुद की लैब है, एक फेयर लैब है, एक पूसा की लैब है, जहाँ ये तीनों चीज़ें टेस्ट होके और तब ये मार्केट में हम इसको लॉन्च करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास है, प्रोम, ये जो आप देख रहे हो ये प्रोम है, ये है फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, जहाँ ये डीएपी का रिप्लेस है। जो लोग डीएपी से अपना खेती करते थे और वो ये चाहते हैं कि हमें डीएपी छोड़ रहे हैं, हमें ऑर्गेनिक करना है, तो फिर क्या है, ये प्रोम डाल सकते हैं वो। और इस प्रोम के साथ पहली साल आधा हमें वो डीएपी डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि मिट्टी को आदत हो गई है, क्योंकि 40 साल से 50 साल से लगातार हम डीएपी डाल रहे हैं खेतों में, तो डीएपी की वो आदत हो गई है मिट्टी को, तो इसीलिए पहले 2-3 बार इसके साथ उसको मिला के डालना पड़ेगा, और तीसरी बार में उसको डीएपी को ख़त्म कर देना। अपने इस प्रोम से ही प्रोडक्शन उतना ही आएगा जितनी यील्ड अब उससे आती है, इतनी ही यील्ड आएगी उससे। उसके बाद आता है अपने पास पूसा डिकम्पोज़र। ये डिकम्पोज़र है, ये क्या करता है, ये जो मटेरियल है एग्रीकल्चर यूज का वेस्ट हो गया या किचन का कोई भी वेस्टेज हो गया, ये उसके लिए है। ये पानी में डालो, सिंपली 2-4 लीटर पानी में डालो, और जो तुम्हारे किचन से निकला हुआ जो वो है उसमें वेस्ट है उसमें डाल दीजिए, उसको रख दीजिए, वो सड़ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, अगर गोबर है, जो पशुओं का गोबर होता है, गोबर में इसको 250 लीटर पानी में डालो, बोतल को पूरी को, और 200 लीटर पानी उसमें से निकाल के बीच में होद्दी बना के बीच में डाल के उसमें होद्दा मार दो, ऐसे मार दिया तो क्या है, वो जो पानी है वो सारा नीचे चला जाएगा और ऐसे फैल जाएगा वो, बाकी बच्चा 50 लीटर वो गोबर के चारों तरफ डाल दो, जिससे क्या होगा, बैक्टीरिया बाहर से और अंदर से दोनों तरह से काम करेंगे, और वो 35-40 दिन में इसको सड़ा के बिल्कुल चाय पत्ती की तरह भुरभुरा बना देगा। उसके बाद आता है हमारा माइक्रो पावर, जो माइक्रोराइजा है इसके अंदर बेसिक, और इसका काम क्या है, जो लोग डीएपी में खेती करते थे और आजकल क्या कर रहे हैं लोग, अब इससे खेती कर रहे हैं, डीएपी नहीं डाल रहे। क्यों नहीं डाल रहे, इससे फ़ायदा क्या है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो डीएपी को जो बहुत सालों से पड़ती आ रही है, तो वो डीएपी कुछ ये लगा लो 46% या 50% ही वो सॉल्युबल होती है, बाकी वो पत्थर होता है, ठीक है, 40% वो पत्थर है। तो ये जो बैक्टीरिया है उस पत्थर को गला के और उसको न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर देता है, जिससे फसल को फॉस्फेट की कमी नहीं होती, तो डीएपी डालने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये इसमें एक और चीज़ है, ये एंडो प्लस एक्टो दोनों हैं। बेसिकली आपने देखा होगा अदर कंपनियों का, या तो एंडो मिलेगा या तो एक्टो मिलेगा, एंडो एक्टो दोनों एक साथ नहीं मिलते, ये एंडो प्लस एक्टो, और पावर भी इसकी उनसे ज़्यादा है। और एंडो एक्टो क्या होते हैं वो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। एंडो और एक्टो में ये फ़र्क होता है, कुछ तो एंडो में क्या है कि जो जड़ के बाहर से काम करते हैं बैक्टीरिया, और कुछ पौधे के अंदर से काम करते हैं, तो वो दोनों चीज़ें हैं इसमें, बाहर से भी काम करेंगे और प्लांट के अंदर से भी काम करेंगे। उसके बाद अपने पास आता है ब्लू सिल, ये है बोरोन सिलिकॉन पोटेशियम बेस है। बोरोन सिलिकॉन का बेसिकली काम क्या होता है, इसका काम ये होता है, जैसे आपने गन्ने की फसल लगा रखी है तो गन्ने में जो क्रैक आ जाता है ना, आपने देखा होगा गन्ने में पार क्रैक आ जाता है, एक तो ये उस क्रैक को रोकता है, दूसरा जो आपके गन्ने की जो कल्ली है, जो गल्ला जो फूटता है उसके फुटाव में फ़र्क डालेगा, और दूसरी चीज़ जो पोरियों की संख्या है, जो पोरियों की लंबाई है उसको बढ़ा देगा। तो आप लगा लीजिए, अगर एक गन्ने में एक एक दो दो इंच भी बढ़ गए, एक एक पोरी में आधा आधा इंच, तो एक गन्ने में कितनी हाइट होगी, तो ये उसमें काम आता है। उसके बाद आता है अपना पोटास, ये केएस जो है नेचुरल पोटास है, ठीक है, ये हमने क्या किया है, जो पोटास जैसी भी फॉर्म में आती है उसको हमने सीधा ग्रेनुलर में चेंज करके और पूसा से
पूसा के साथ मिलके इसको हमने सीधा ग्रेनोल में चेंज किया है, उसके बाद मार्केट में लॉन्च। उसके बाद आता है हमारा ब्लैक पर्ल। ये ब्लैक पर्ल है, इसमें ये क्या है, ये देसी घी है, और घी तो अंधेरे में भी स्वाद दे, ठीक है। तो ये ब्लैक पर्ल क्या करता है, जो पौधा क्लोरोफिल बनना बंद हो गया जिस पौधे में, या ग्रोथ नहीं ले रहा है, खाना नहीं बन रहा है, ये आप डाल दीजिए। एक एकड़ में 2 किलो का डिब्बा है, 2 kg का डिब्बा है, एक एकड़ में डलेगा, ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, यूरिया के साथ कर दीजिए, या सोइंग के टाइम कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका पौधा अच्छा कल्ले छोड़ेगा, बढ़वार सही लेगा और क्लोरोफिल बनने लगेगा। ये अपने सारे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दीजिए। बाकी किसी किसान भाई को प्रोडक्ट आपके चाहिए तो कैसे उस तक पहुँचेंगे? हाँ, किसी भी किसान भाई को अगर हमारे प्रोडक्ट चाहिए तो हमारी कंपनी का जो नाम है गिरिगंगा कृषि ऊर्जा, सीधी वेबसाइट पर गिरिगंगा कृषि ऊर्जा डालिए, वहाँ हमारे प्रोडक्ट सारे लिखे हुए हैं, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, और उन पर कॉल करेंगे तो उनको माल जो सप्लाई दी जाएगी। पूरी अदर एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फार्मर्स की होगी, जिस भी बंदे ने वो मंगाया उसकी होगी, भाई प्राइस वही रहेंगे जो है। ये आपने हमसे बात की, हमारे किसान भाइयों को जैविक और उर्वरकों की जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।